तवज्जो से समाज फरमाइएगा, चाहे वहाँ करिए और चाहे न करिए। आज़ादारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लखनऊ की देन है। पूरे इंडिया में जो आज़ादारी हो रही, हिस्ट्री उठा के देखिए। किसी सबब से आज मैं मुतालिया कर रहा था, किताब का नाम है असरारु शहादा। अफसोस इसी के ऊपर है कि अहालियाने मेंबर अगर किताब दे के मजलिस पढ़े तो और अच्छा रहे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाल को, ठीक है। किताब का नाम है जनाबे वाला असरारु शहादा, उसकी तीसरी जिल्द के अंदर सारी आज़ादारी लखनऊ के अंदर से जो राज हुई उसके अंदर दर्ज है, सब दर्ज है। अब जो आज़ादारी के ऊपर बनाम आज़ादारी हमारे यहाँ चीज़ें दाखिल हुई, उसका आज़ादारी से कोई ताल्लुक नहीं है। समझिएगा मेरी बात को, उसका आज़ादारी से कोई ताल्लुक नहीं है जो बनाम आज़ादारी हमारे यहाँ दाखिल की गई है। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि अब मुझे याद नहीं है, उस दौर में जो नवाब साहब थे, मेरे जहन से नाम निकल गया, उनसे लोगों ने बताया कि ईरान के अंदर बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी शबीहें बनाते हैं और बड़ा गिरिया होता है। मुतवज्जे रहिएगा मेरी तरह, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ और अपने जहन में इस बात को रखिएगा। उन्होंने उनको दावत दी, वो यहाँ के ऊपर आए, पर्दा लगा हुआ है, शबीहें बन गई और उसके बाद मरसिया पढ़ा गया, लोग रो रहे। और जब पर्दा हटाया गया तो नवाब साहब ने देखा तो वो तमाम चीज़ें बनी हुई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अलग है कटा हुआ, और जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म ढाए गए थे करबला के अंदर, वो सब बनाए हुए। एक चीख मारी उन्होंने और बेहोश हो गए नवाब साहब। फिर उसके बाद जब उनको अफाका हुआ, किताब का हवाला दिया है, पढ़े लिखे मौलाना से पूछिएगा, लिबास नुमा मौलाना से मत पूछिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए किताब का हवाला दिया असरारु शहादा, उसकी तीसरी जिल्द थी, ये लिखा हुआ है, उसके अंदर पूरी तफसील की आज़ादारी में होता क्या था। अब जब अफाका हुआ तो उन्होंने बहुत सख्ती से कहा, फौरी तौर पर तुम अपने मुल्क चले जाओ, ये तुम आज़ादारी नहीं कर रहे थे बल्कि तुम लोगों को गुमराह कर रहे थे, तुम लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये हुआ और उसी के बाद ख़त्म हो गया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, चूँकि चैनल चल रहा है, किसी साहब को बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूँ। चूँकि उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो आज़ादारी आई बनाम खुराफात आज़ादारी, वो लखनऊ की वजह से आई। उस बेचारे को पता नहीं कि लखनऊ लाम से होता है या ये से होता है। सलवात भेजे मोहम्मद वालों को, बात समझिएगा, पता नहीं है लेकिन खाया यही लखनऊ के अंदर, पढ़ाई यही की है। एक और सलवात भेजे मोहम्मद, खाया ही क्यों। मेरे अजीजों, जो उन्होंने कहा है, जो किया है, उसको बरकरार रखो। आप इंसाफ से बताइए, अगर वो तमाम चीज़ें जो बनाम अदादारी हमारे यहाँ दाखिल हुई है, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक है? कुछ नहीं ताल्लुक, लोगों ने बनाया है मुरादा।